जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बारिश के दिनों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या होती है पैरों की उंगलियां सड़ जाना। किसी किसी के पैरों में ऐसी दिक्कत हो जाती है बारिश के दिनों में कि उनके पैरों की उंगलियां फूल जाती हैं, एकदम अजीब सी हो जाती हैं। कभी कभी उनमें खून निकलने लगता है या कभी कभी उसमें पीप या मवाद जैसा बन जाता है और उंगलियां एकदम कट जाती हैं और एक तरीके से कहा जाए तो वो सड़ जाती हैं। और उन उंगलियों में हर समय दर्द होता रहता है, कभी कभी तो इतना दर्द होता है पैर रखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इन समस्या से कैसे बाहर निकलें, कैसे इन समस्याओं से निजात पाएं, आज मैं अपने इस वीडियो में उसी टॉपिक पर इसी विषय में बात करने वाली हूँ। और ये तो कहना बेकार है कि आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा आप देखते ही नहीं हैं, आपकी मर्जी है। जिनको फ़ायदा लेना होगा वो पूरा देख लेंगे, बाकी जो लोग पूरा देखते हैं मैं उन्हें भी जानती हूँ। जब कभी ऐसा होता है कि पैर की उंगलियाँ सड़ जाएं, अक्सर ये समस्या बारिश में ही होती। और ये समस्या सबसे पहले तो मैं बता दूँ क्यों होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में जब हम बाहर निकलते हैं तो जो लोग सूज पहनते हैं उनकी उंगलियां तो ज़्यादातर ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी सूज पहनने वालों की भी उंगलियां ऐसी हो जाती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इन दिनों में नमी अधिक होती है, हर जगह नमी होती है और जो ये पसीना आता है इससे चिपचिपापन होता रहता है, अच्छी तरीके से हवा नहीं आती है। जब बादल छाए रहते हैं तो हवा भी कम चलती है, तो जब हवा अच्छी तरीके से नहीं लग पाती है तो भी उंगलियाँ सड़ जाती हैं। दूसरी बात, जो लोग चप्पल पहन के बाहर निकलते हैं और उनके पैर खुले रहते हैं तो उनके पैर में जब गंदा पानी लग जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जगह जगह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पानी भर जाता है, जब वो पानी लग जाता है साथ में धूल मिट्टी लगती है तो उस गंदगी की वजह से भी उंगलियाँ सड़ जाती हैं। दूसरी बात, किसी किसी को बारिश का पानी सूट नहीं करता है तो उस वजह से भी उनकी उंगलियाँ सड़ जाती हैं। तो इससे हम निजात कैसे पाएँ? सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो हमारी उंगलियाँ सड़ जाती हैं तो उनमें हम जो दर्द होता है उस दर्द के लिए क्या करें। तो दर्द के लिए सबसे कारगर चीज़ है आपका सरसों का तेल। आप सरसों के तेल को गुनगुना करिए और रोज़ शाम को, रोज़ रात को सोने से पहले 5-7 मिनट तक उसी गुनगुने तेल से अपने पैरों की उंगलियों की मसाज करिए। धीरे धीरे मसाज करते रहिए सरसों के तेल से, और जब आप मसाज करेंगे उस समय हल्का सा आपको लग सकता है, क्योंकि जहाँ पर कटा होता है उसको आप ऐसे ही छूते हैं तो भी दर्द होता है। ये तो जब सड़ गई हैं उंगलियां तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप रोज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे इनका दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, इनकी सड़न भी कम होगी। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, स्किन डॉक्टर से मिल लीजिए, उनको दिखा करके दवाई ले लीजिए। और उसके अलावा बोरोलिन एक बहुत पुरानी क्रीम है, एंटीसेप्टिक है ये, तो बोरोलिन आप अपने पैरों में रोज़ लगाइए सोने से पहले। पहले तो आप सरसों तेल की मसाज करेंगे, उस मसाज के करीब आधा घंटे के बाद में जब आप देखिए कि तेल एकदम अंदर चला गया उंगलियों में, उसके बाद आप अपने उंगलियों में जहाँ जहाँ भी सड़न आपको महसूस हो रही है पैरों में, आप बोरोलिन लगा लीजिए और थोड़ी सी ज़्यादा लगाइए बोरोलिन। उसके बाद में आप अपने पैर फैला के आराम से सो जाइए, और अगर आप चाहें तो सॉक्स भी पहन सकते हैं, कॉटन के मोजे पहन के आप सो जाइए, ताकि वो बोरोलिन इधर उधर कपड़ों में भी ना लगे और आपके पैरों से धीरे धीरे स्किन के अंदर चली जाए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर बोरोलिन लगाने के बाद भी पैर सही नहीं होते तब आप डॉक्टर से मिलिए। इसीलिए मैंने पहले भी बोला आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि जब स्थिति ऐसी हो जाए कि आपको तेल की मसाज और बोरोलिन से भी आराम ना मिले तो आप समझ जाइए ये स्थिति नाजुक है और गंभीर है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, फिर उसमें आप कोई लापरवाही मत करिए। तो अगर जानकारी पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।